नमस्कार, यहाँ हम आज मूंगफली की लइया पट्टी या चिक्की बनाना बता रहे हैं। इसे कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन गुड़ गर्म होने के कारण गर्मियों में ज़्यादा ना खाएं। सीखते समय हमेशा थोड़ी मात्रा में ही बनाएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले मूंगफली दाने धीमी आंच में भूनकर छिलका निकालकर और दो टुकड़ों में ये किए गए हैं। इसमें से यह एक कटोरी भरकर मूंगफली के दाने लिए हुए हैं और यह एक कटोरी कद्दूकस या बारीक किया हुआ गुड़ लिया है, यानी दोनों बराबर मात्रा में लिए हुए हैं। स्टोव जलाकर कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें आधा चम्मच घी फैलाते हुए डालेंगे, जिससे गुड़ कढ़ाई में चिपके नहीं। यह घी लगी प्लेट है पट्टी जमाने के लिए। अब कढ़ाई में दो बड़े चम्मच पानी डालेंगे। गुड़ घोलने के लिए और यह एक कटोरी गुड़ इसमें डाल देंगे। इसे झारे से घोलते हुए चलाएंगे। इस तरह से आंच हमेशा धीमी रखें। एक या दो मिनट के बाद इसमें इस तरह से झाग बनने लगेगा। इसे इसी तरह से चलाते रहें। धीरे धीरे यह गुड़ का घोल गाढ़ा होने लगेगा। और झाग भी कम बनेगा। यहाँ देखें, यह झाग कम बन रहा है। यह काफ़ी गाढ़ा या दो तार की चाशनी जैसे हो गया है। इसमें बीच बीच में इस तरह से झाग बन रहा है, यानी यह पट्टी बनाने के लिए तैयार हो गया है। इसे थोड़ा और चलाएंगे। अब इसमें यह एक कटोरी मूंगफली दाने हैं ये डालेंगे। और इन्हें डालकर अच्छे से चलाएंगे। ध्यान रहे, मूंगफली दाने पहले से थोड़े गर्म रहें, नहीं तो पट्टी प्लेट में फैलाने के पहले ही जम जाएगी। इस तरह अब दोनों को मिलाएं। मिलाने के बाद इसे झारे से लेकर घी लगी प्लेट में डालकर फैलाएंगे। इस तरह से और एक कटोरी या प्लेट में या पलटे के तले में घी लगाकर इसकी ऊपरी परत को हल्के हाथों से दबाते हुए फैलाते हुए चिकना करेंगे। यह जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि पट्टी जल्दी जम जाएगी। इस तरह से यह मूंगफली की स्वादिष्ट पट्टी या लइया तैयार हो गई है। धन्यवाद।